नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं और हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरी इकाई छठी कविता है पूरक पठन। हम उस धरती की संतति है। आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे और इस कविता के लेखक हैं उमाकांत मालवीय। इनका परिचय हम कर लेंगे। पहले इनका जन्म 1931 में मुंबई में हुआ। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का गंभीरत कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ और एक कविता संग्रह है सुबह का रक्त पलाश। इस प्रकार यह जो कविता है असल में यह कव्वाली है। कव्वाली हम सब इससे परिचित है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में किया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, यह जो कव्वाली है हम उस धरती की संतति है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस कव्वाली का पहले वाचन करेंगे। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रह्लाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हाँ सबके आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शौर नहीं शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी थी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यो आप खपा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसने, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा रख देंगे पाते उलझा के, बस बात पते की इतनी है ध्रुव या रजिया भारत माँ के, माँ भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अज दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। इस प्रकार हमने इस कव्वाली का पूरा पठन किया है। अब देखिए, इस कव्वाली में जो पहला पद होता है वे लड़के गाते हैं और लड़कियों से अपनी बातें करते हैं। तो यहाँ पहला पद है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। अब पहला समूह जो है लड़कों का है और कव्वाली में वे लड़कियों से कहते हैं कि हम इस धरती के लड़के हैं और इस धरती की बातें हम आज हम आपसे करेंगे, क्या कहिए अजी, क्या कहिए, हम इस धरती के लड़के हैं, इसी मिट्टी में यहाँ ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे। ध्रुव हम सभी को पता है शायद, यह जो ध्रुव है यह राजा उत्तानपाद का पुत्र था। जब वह छोटा बच्चा था तो
तो अपने पिता की गोदी में खेलने के लिए बैठा था। वहाँ उसकी सौतेली माता आई और उसने उसका अपमान किया और उसे पिता की गोदी से उठाया। इस अपमान से क्रोधित होकर ध्रुव ने मन में निश्चय किया कि वह अपने लिए एक ऐसा स्थान निर्माण करेगा जहाँ से उसे कोई नहीं उठा सकेगा। और इस प्रकार ध्रुव ने विष्णु भगवान का अनन्य साधारण भाव से भक्ति की और उसे उनकी प्रार्थना की, और इस प्रकार विष्णु भगवान उन्हें प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें आकाश में सप्तर्षि तारों के समूह के पास एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से उन्हें कोई हिला न सकेगा। इस प्रकार ध्रुव ने अपने लिए एक निश्चित स्थान, अटल स्थान निर्माण किया। यह ध्रुव की भूमि है। इस भूमि में ध्रुव जैसे अनन्य भक्ति करने वाले बच्चे निर्माण हुए और इसीलिए ये बच्चों का समूह ध्रुव का उदाहरण देते हैं। अब आगे देखें, यह मिट्टी हुए प्रह्लाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। जिस प्रकार इस मिट्टी में ध्रुव जैसे बच्चों ने जन्म लिया, उसी प्रकार इसी मिट्टी में भक्त प्रह्लाद का भी जन्म हुआ। भक्त प्रह्लाद की कहानी भी हमें मालूम है। भक्त प्रह्लाद यह हिरण्यकशिपु का पुत्र था, परंतु हिरण्यकशिपु विष्णु के शत्रु थे। वे उन्हें अपना प्रिय भगवान बिल्कुल नहीं मानते थे, पर उनका पुत्र भक्त प्रह्लाद वह विष्णु का भक्त था और उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद विष्णु ने नरसिंह का रूप लिया, अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया। और इस प्रकार भक्त प्रह्लाद पूरे भारतवर्ष में अनन्य भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ भक्त प्रह्लाद जैसे पुत्र भी निर्माण हुए जिनकी लगन सच्ची थी, सच्ची भक्ति थी, जिनका मन भक्ति के रूप में एकाग्र था। और आगे देखिए, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। भरत यह एक भारत का अन्य एक महान वीर सुपुत्र है। यह जो भरत है वह राजा दुष्यंत का पुत्र था और बहुत ही शूरवीर था। बचपन में वह शेरों के साथ खेलता था और शेरों के जबड़े में दांत कितने हैं वह गिनता था। यहाँ एक शब्द है दतुली। दतुली का मतलब है दांत। जो शेरों के जबड़ों में हाथ डालकर उनके दांत गिनता था, इतना बहादुर बच्चा भरत था। और आगे चलकर यह भरत सम्राट चक्रवर्ती राजा बन गया और इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत बन गया। इतने शूरवीर महापराक्रमी पुरुष इस धरती पर जन्मे हैं। और आगे हैं, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। भारत के राजस्थान प्रदेश में जो चित्तौड़ के दो वीर पुरुष हैं, एक जयमल और एक पत्ता, दोनों ही बहुत बड़े शूरवीर साहसी पुरुष थे जिन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ की रक्षा मुगलों से की थी। अकबर ने खुद उनकी प्रशंसा के लिए इन दोनों महापुरुषों की पत्थर की मूर्तियां बनाकर चित्तौड़ के गढ़ के किले के प्रवेश द्वार पर बनाई थी। आज भी हम अगर चित्तौड़गढ़ में जाते हैं तो वह पत्थर की मूर्तियां हमें दिखाई देगी। इस प्रकार जयमल और पत्ता, इनका गौरव खुद उनके शत्रु अकबर ने किया था। इस प्रकार के शूरवीर पुरुष इस भारत में जन्मे हैं और हम इसी भारत की संतति है। इस प्रकार यह बच्चों का समूह कव्वाली में गाकर कहता है। एक बार फिर हम उसे गाएंगे। यह मिट्टी हुए प्रह्लाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस प्रकार इस कव्वाली में, इस परिच्छेद में यहाँ बताया गया है कि भक्त प्रह्लाद अथवा भरत अथवा जयमल पत्ता, इस प्रकार के अनेकानेक शूरवीर पुरुष भारत में जन्मे और इसी भारत की हम संतति हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए
आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। ये जो लड़कों का समूह है, लड़कियों को संबोधित करता है, कहता है कि आप सब चुप रहिए, इस शूरवीर पुरुषों की, वीरों की गाथा गाने वाले हम बच्चे हैं, तो आप चुप ही रहिए, लड़कियों तुम चुप ही रहो, इस प्रकार लड़कियों से कहते हैं। अब लड़कियां इसका ठोस उत्तर कव्वाली में क्या देती है, किस तरह से देती है, आगे देखिए। बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, तो कव्वाली में गाकर कहती है कि हम भी उसी धरती की संतान है, उसी धरती की हम लड़कियां हैं, तो जरा आप चुप रहिए। बातों का जनाब शौर नहीं, शौर यहाँ एक शब्द है, शौर मतलब ढंग अथवा बुद्धि, आपको बात करने की जरा सी भी ढंग नहीं है न बुद्धि है, जो कुछ मन में आ रहा है आप बड़बड़ा रहे हैं, बातों का तो आपको जनाब कुछ शौर ही नहीं है। शेखी न बघारो, यहाँ एक मुहावरा है, शेखी बघारना मतलब खुद अपनी प्रशंसा करना, शेखी बघारना मतलब खुद अपनी ही प्रशंसा करना। अरे बच्चों, अरे लड़कों, आप खुद ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, बातों का तो आपको कुछ ढंग ही नहीं, क्या बोल रहे हो, जरा चुप रहिए, हम भी उसी धरती की संतान है, हम भी उसी धरती की लड़कियां हैं, तो आप क्या बातें कर रहे हैं। तो आगे लड़कियां क्या कहती है देखिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। अब लड़कियां क्या कहती है, हम भी उसी मिट्टी में जन्मे हैं जहां महारानी लक्ष्मी जन्मी थी, लक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी थी। जैसा कि हमें सभी को पता है, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई पति की मृत्यु के बाद जिसने अपने बच्चे को अपनी पीठ से बांध कर अंग्रेज़ों से युद्ध किया और इसी युद्ध में उसे शहीद भी हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई, ऐसी वीर झांसी की रानी इसी मिट्टी में जन्मी है। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, केवल झांसी की रानी ही नहीं, तो इसके साथ साथ रजिया सुल्ताना और दुर्गावती, रजिया सुल्तान यह जो है दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की पुत्री थी, और जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की गद्दी चलाने का काम किया, मतलब वह एक अच्छी प्रशासक थी, अच्छी शासक बनी और इसीलिए वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई, यह रजिया सुल्तान। और एक नाम है दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, जिसने अपने पति के मृत्यु के बाद अपने गद्दी पर अपने पुत्र को बिठाया और खुद राजकाज संभाला और वह एक अच्छी प्रशासक बनी, ऐसी रजिया सुल्ताना और दुर्गावती दो महारानियों के नाम हमें पता है, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। अब दोनों भी लड़ने वाली बहादुर स्त्रियां थी, जिस प्रकार झांसी की रानी थी उसी प्रकार रजिया सुल्ताना और दुर्गावती दोनों भी बहादुर स्त्रियां थी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, और दो नाम इसमें अधिक आए हैं, एक है वह चांद बीबी और पद्मिनी। चांद बीबी जो थी वह महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है उस अहमदनगर राज परिवार की एक बेटी थी, जन्म से ही बड़ी बहादुर थी और मुगल सेना की उसने अहमदनगर की रक्षा की थी, वह खुद लड़ी थी और अहमदनगर की रक्षा करने का काम इस चांद बीबी ने किया था। और एक पद्मिनी, पद्मिनी जो महान है वह चित्तौड़ की रानी थी, चित्तौड़ की रानी पद्मावती भी उसे कहा जाता है और पद्मिनी भी उसका एक और नाम है। तो यह चित्तौड़ की रानी थी, वह बड़ी ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस वक्त राजपूत बड़े जोश से लड़े थे परंतु उनकी हार निश्चित थी। चित्तौड़गढ़ के समीप जब अलाउद्दीन खिलजी आ गया तो अपने शील के रक्षणार्थ रानी पद्मावती ने, पद्मिनी ने जौहर किया था। यहाँ एक शब्द आया है जौहर की ज्वाला, जौहर यह राजस्थान की एक प्रथा है, जब कोई शत्रु हमला करता है
और अगर हारने के लक्षण दिखाई देते हैं, किले के समीप अगर शत्रु आ जाता है और किले में प्रवेश करने की लक्षण आशंका होती है, तब किले में जो स्त्रियां मौजूद होती हैं वह एक बड़े से अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर सभी की सभी स्त्रियां उसमें प्रवेश करती हैं और खुद को जलाकर मार डालती हैं। इस प्रकार शत्रु को अन्य रूप से, अन्य प्रकार से वह मात दे देती है, शत्रु को हरा देती है। यह एक राजस्थान की प्रथा है, इसका नाम है जौहर करना। तो पद्मिनी ने इसी प्रकार जौहर किया था और अलाउद्दीन खिलजी से अपने आप की और किले की अन्य स्त्रियों की रक्षा की थी। इस प्रकार की अत्यंत बहादुर शूरवीर नारियां स्त्रियां भारत में जन्मी हैं। सीता सावित्री की धरती ऐसी जन्मी ऐसी ऐसी बाला। अब यह जो सीता और सावित्री है, यह पौराणिक महिलाएं हैं। हमें पता है कि सीता एक आदर्श पतिव्रता नारी थी और अपने पति के साथ साथ जिसने 14 वर्षों का वनवास सहन किया था, उसी प्रकार सावित्री भी है जिसने खुद यमराज से लड़कर झगड़कर अपने पति के प्राण वापस लाए थे। इस प्रकार अनेकानेक स्त्रियां हैं जिनका नाम तक हमें लेना बहुत मुश्किल है, बहुत नाम है, ऐसे बहुत नाम है, तो कुछ इस कव्वाली में आए हैं। तो सीता सावित्री इस प्रकार की अनेक शूरवीर महिलाएं यहाँ जन्मी हैं। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं है। तो अंतिम वाक्य में कहती है कि डिंग मत हाकिए, डिंग मत मारिए, मतलब बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। लड़कों से कहती है कि आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, नहीं तो आपको मजबूरन हमसे ताने सुनने पड़ेंगे। आप केवल अपनी खुद की प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप भी, हम भी आपसे कुछ कम नहीं हैं, हम भी आपसे उतनी ही आगे हैं। अगर आप अपनी ही शेखी पघारेंगे तो आपको मजबूरन ताने सुनने पड़ेंगे। अब इस प्रकार लड़कियों ने लड़कों को मुंह तोड़ जवाब इस प्रकार दिया है। इस पद में लड़कियों ने अनेकानेक महिलाओं के ऐसे उदाहरण दिए हैं जो स्त्रियां शूरवीर है, ढाड़सी है और जो उत्तम प्रशासक राज्य चलाने वाली है। ऐसी अनेक महिलाओं के नाम उन्होंने बताए हैं जिसमें है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीबी और पद्मिनी, सीता, सावित्री, कितने कितने नाम इस प्रकार इन लड़कियों ने बताए। अब इस अंतिम पद में लड़के और लड़कियां दोनों यह पद गाते हैं और क्या कहते हैं देखिए। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। अब दोनों एक दूसरे से कहती है कि आप खफा क्यों होती है, खफा मतलब नाराज, खफा शब्द का अर्थ है नाराज। हम एक दूसरे से नाराज क्यों होते हैं, टंटा काहे का आपस में, टंटा मतलब झगड़ा। इस प्रकार का झगड़ा आपस में करने की कोई बात ही नहीं है। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है तो इस प्रकार की बातों से कोई क्या रखा है। ऐसी बातें तो बिल्कुल नाकाम है, कुछ इस बातों में कोई अर्थ नहीं है। झगड़े से इन्हें कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। ये जो उलझना उलझाने वाली बातें हैं, मैं श्रेष्ठ या तू श्रेष्ठ, ये बातें बड़ी उलझा देने वाली है। इस प्रकार इन बातों में कुछ रखा नहीं है, इस झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल का मतलब है प्राप्त करना। यह इन झगड़ों से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अंतिम पद में, अंतिम वाक्य में लड़के क्या कहते हैं और लड़कियाँ क्या कहती है, तो हम दोनों ही इस भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया है शूरवीर नारियां, दूसरा पहिया है शूरवीर पुरुष। इस प्रकार
इस भारत माता की जो संततियां हैं, जो लड़के भी हैं और लड़की भी है, ये दो पहिए हैं और इन दो पहियों से भारत माता का रथ विजय की ओर आगे बढ़ता रहता है। ये दो पहिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार हम इस भारत की संतति है। लड़का है या लड़की है, ये कोई फर्क नहीं है, न कोई मायने रखता है। इस प्रकार इस कविता का अर्थ है कि हम इस धरती की संतति है। संतति न केवल पुत्र, न केवल पुत्री, केवल संतति होती है। यहाँ इस कविता से और एक महत्वपूर्ण बात हमें समझ आती है कि इस कविता में स्त्री पुरुष समानता का एक नया मूल्य यहाँ हमें बताया गया है। इस प्रकार हम इस धरती की संतति है, यह जो पूरक पठन है कव्वाली के रूप में प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है।